दवाइयां, दवाइयों का एलिमेंट क्या है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो दवाइयां क्या हुई? वाटर एलिमेंट। अब एक, अब आप मुझे एक चीज का जवाब दो, एक चीज का जवाब दो, मेडिसिन रखने के लिए बेस्ट जोन कौन सा है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट सर। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्यों है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हीलिंग का, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हीलिंग और इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो मेडिसिन रखने के लिए आइडियल माना जाता है। ये सबसे बड़ा मिथ है और ये गलत है, ये सबसे बड़ा मिथ है और ये सबसे गलत है। और मैं मेरे को तरस आता है उन लोगों पे जिन्होंने YouTube पे वीडियोस डाल रखी है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन रख दो, ये आइडियल जोन है, और मुझे तरस आता है उन सभी लोगों पे, उन सभी हजारों लोगों पे जिन्होंने वो वीडियोस देख के अपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन रख दी। बट सर मैं सच में बताऊं, मेरे लॉजिक, वेट वेट वेट, पहले 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 सुन लो, फिर अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करना, मुझे पता है आप सबके साथ है, पहले मेरी सुन लो फिर अपना बताना। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो रिप्रेजेंट करती है हीलिंग एंड इम्यूनिटी को। किसकी हीलिंग एंड इम्यूनिटी? घर में रहने वाले सभी सदस्यों की हीलिंग एंड इम्यूनिटी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन का काम है आपके शरीर में, आपकी बॉडी में इम्यून शक्ति को बढ़ाना, ताकि आप किसी भी एक्सटर्नल डिजीज से आपका शरीर फाइट कर सके, उससे लड़ सके। जब आप अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन रख देते हो तो आपका शरीर, छोटी से छोटी बीमारी भी अगर होती है तो वो आपके माइंड को कमांड देता, दवाई खा ले भाई, वही तेरे को हीलिंग देगी, वही तेरे को इम्यूनिटी देगी, मैंने कुछ नहीं करना, दवाई खा ले, मेडिसिन खा ले, दवाई खा ले। आप दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हो, आपकी जो नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। एक्चुअली में ये फंडा क्या है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई सिक है, कोई इलनेस है, तो उस व्यक्ति को अगर आप 15 से 20 दिन के लिए अगर आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में सुलाते हो तो उसकी रिकवरी अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति की कोई दवाइयां चल रही हैं जो उसने 15 दिन 20 दिन महीना खा के छोड़नी है, अगर आप उन दवाइयों को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखते हो तो वो बिल्कुल सही है, वो दवाइयां उसको अच्छा असर करेंगी। लेकिन सभी के सभी लोग वीडियोस देख के क्या करते हैं, अपनी बीमारी की, खांसी की, जुखाम की, डायरिया की, कोल्ड की, कफ की, डेली रूटीन की, शुगर की, बीपी की, जितनी भी दवाइयां हैं वो उठा के सारी की सारी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख देते हैं, और वो लोग उन दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो लोग उन दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दवाइयां रखने की आइडियल और बेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो होती है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी W2। ये जब मैं आपको अभी देवतास पढ़ाऊंगा ना, एनर्जी फील्ड्स एंड देवतास पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्यों W2 में बोल रहा हूं, ठीक है? तो जो दवाइयां रखने की आइडियल डायरेक्शन होती है वो होती है W2 की डायरेक्शन। W2 की जो डायरेक्शन होती है वहां पे एक एनर्जी फील्ड होती है जिसको कहते हैं द्वारिक। वो सेविंग्स की डायरेक्शन है, वो बचत की डायरेक्शन है। जब आप अपनी दवाइयां वेस्ट साउथ वेस्ट में द्वारिक में रखते हो तो वो दवाइयां बचत, उन दवाइयों की बचत होने लग जाती है, वो दवाइयां सेव होने लग जाती है, वो दवाइयां कम यूज होती हैं, उनकी बचत। और दवाई कब कम यूज होगी? जब आपके शरीर में बीमारी नहीं होगी, जब आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो वहीं पड़ी है ना, फिर आप खा नहीं रहे। आपकी शुगर अगर नॉर्मल है तो आप नहीं खा रहे शुगर की दवाई, आपका बीपी अगर नॉर्मल है तो आप नहीं खा रहे शुगर की दवाई, आपको कोल्ड कफ नहीं है तो आप नहीं खा रहे कोल्ड कफ की दवाई, अगर आपको फीवर नहीं है तो आप नहीं खा रहे फीवर की दवाई, आपके विटामिंस नॉर्मल है तो आप नहीं खा रहे मल्टी विटामिंस। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में W2 की जो डायरेक्शन होती है वो दवाइयां रखने के लिए आइडियल होती है। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं इसी के कंटेक्स्ट में। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सोता है तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के लंग्स खराब हो जाते हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सोता है तो उस व्यक्ति के लंग्स जो हैं वो परमानेंट डैमेज हो सकते हैं।
परमानेंट डैमेज क्यों होते हैं। मेरे पास एक केस स्टडी आई, मैं ग्रुप में कोर्स में आप लोगों के साथ उस केस स्टडी को शेयर करूंगा। एक केस स्टडी आई, एक लेडी घर में अकेले रहते थे, जॉब करते थे, घर वाले कहीं और सिटी में हैं, वो किसी और सिटी में अकेले रहते थे, जॉब करते थे, और उनको जब जैसे वो किसी घर में शिफ्ट हुए तो वहां पे उनके लंग्स खराब होने शुरू हो गए, उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आपकी जो डॉक्टर वाली फाइल है मेरे को, क्या आप उसकी फोटो वोटो भेज सकते हो, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज है मैं एक बार नेट पे सर्च करना चाहता हूं, मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आपको हुआ क्या है। उन्होंने जब मुझे रिपोर्ट्स भेजी तो रिपोर्ट्स में लिखा था एक्सेस म्यूकस फॉर्मेशन इन लंग्स, और लंग्स जो है वो थोड़ा सा जैसे 100% से कम 60% या 70% उनके काम कर रहे हैं। और हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को कभी भी रिपेयर नहीं कर पाता। लंग्स अगर एक बार डैमेज हो गए तो हो गए, फिर वो रिपेयर नहीं होते, जितने हो गए वो रिपेयरेबल नहीं होते। लीवर खराब हो गया वो फिर रिपेयर हो जाएगा, किडनीज अपने आप को रिपेयर कर लेती हैं, बाकी सभी ऑर्गन्स अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, बट लंग्स जो है वो रिपेयरेबल नहीं होते, बहुत बहुत स्लो होता है उनका रिपेयर होना, तो उसको नॉन रिपेयरेबल ही बोला जाता है। तो जब मैंने देखा एक्सेस म्यूकस फॉर्मेशन, तो जब मैंने उनके घर के नक्शे देखे तो वो कई सालों से अपने घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सो रहे थे। और मैंने पूछा, मैं कहा जी इस घर में आने के कितने समय बाद आपको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी? कहते जी मैं इस घर में आई 3-4 महीने 5 महीने तो सब सही रहा, उसके बाद मेरे को कफ की दिक्कत हो गई और उसके बाद से मेरे को ये लंग्स की प्रॉब्लम हो गई। हमारे शरीर का मैकेनिज्म है कि हमारा शरीर जो है वो अपने अंदर के जितने भी इम्बैलेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सटर्नल वायरसेस होते हैं, उनको किल करके म्यूकस जनरेट करता है, और म्यूकस के थ्रू वो सारे जो डेड सेल्स हैं, जब फाइटर सेल और एक्सटर्नल बैक्टीरिया आपस में लड़ते हैं तो फाइटर सेल भी मरते हैं, एक्सटर्नल बैक्टीरिया भी मरते हैं, तो जो डेड सेल्स होते हैं वो म्यूकस की फॉर्म में उनको म्यूकस से कवर कर देती है हमारी बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म, और वो म्यूकस की कफ की फॉर्म में हमारे शरीर से मुंह से या एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जब व्यक्ति सोता है तो उसकी बॉडी 24 घंटे सारा टाइम फाइटिंग मोड में रहती है, और फाइटिंग मोड में रहने की वजह से उसकी बॉडी में इतना ज्यादा म्यूकस क्रिएट होता है, इतना ज्यादा म्यूकस, इतना ज्यादा कफ क्रिएट होता है कि उसके जो लंग्स हैं वो सारे कफ से भर जाते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ना तो सोना चाहिए, बीमार व्यक्ति है मैक्सिमम 15 दिन सुला के उसको हटा दो, रेगुलर दवाइयां चल रही हैं, किसी डॉक्टर ने को लिख दी दवाइयां जो 10-15 दिन महीना खानी है उनको रख दो, खा के खत्म करो, हटा दो। लेकिन जो आपकी जेनरिक दवाइयां हैं, जो रेगुलर खाने वाली दवाइयां हैं, जो कंटिन्यू चलाने वाली दवाइयां हैं, वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखते। ये बहुत बड़ा मिथ है, क्लियर है? तो अब आप बताओ राजेंद्र जी, क्या एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं? यार मैंने तो कोर्स किया, ठीक है, मुझे तो यही पढ़ाया गया कि भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आइडियल डायरेक्शन है मेडिसिन के लिए, ठीक है जी, और मैंने रखी भी है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने रखी भी है। मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की कोलेस्ट्रॉल की गोली खाता हूँ मैं, मतलब 4-5 गोली जो परमानेंट खानी है। हाँ। ये पढ़ा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, मतलब रिजल्ट कोई नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं, कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, इसी बात से मैं परेशान। ठीक है, अब इन दवाइयों को एक बार वेस्ट साउथ वेस्ट में W2 में रख के देख लो। हाँ अभी रख दूंगा रात को, फिर एक्सपीरियंस शेयर कर लेना। अभी मत रखो, अभी आपको W2 नहीं पता, मैं बताऊंगा, गलती से W3 में रख दी तो वो बढ़ जाएंगी, तो इसलिए ना मतलब अभी आपने नहीं करना, मैं बताऊंगा कहाँ रखनी है, तो वहां रख के आप देख लेना जी।